स्टूडेंट टॉक में आपका स्वागत है। जो बच्चे अब समय 12वीं में हैं वो अपनी परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं, तो ये टॉपिक या ये खबर उन्हीं के लिए है। CBSE ने 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी है। 12वीं की परीक्षाओं में छात्रों को विकल्प लिए हैं। पहला इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आंकड़े, दूसरा कोरोना खत्म होने के बाद परीक्षाएं दी। दूसरी ओर CISI ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होनी थी। दोनों बोर्ड ने यह जानकारी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दी। हालांकि कोर्ट ने परीक्षाएं रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिका पर फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट ने सरकार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे तक वैकल्पिक परीक्षा रिजल्ट से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी मांगी। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हिंसा के कारण 10वीं की परीक्षा रद्द हो गई थी। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण 12वीं की परीक्षाएं बीच में ही रोकनी पड़ी थी। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी करने की मांग लेकर विभाग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। कर्नाटक में गुरुवार को 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई। पहले दिन 840 लाख छात्रों ने परीक्षाएं दी। सुप्रीम कोर्ट ने लाइव केंद्र ने कहा असेसमेंट के आधार पर 10वीं 12वीं का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी होगा। अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं टालने की मांग पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान एक वकील ने आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं टालने की मांग की। इस पर जस्टिस खानविलकर ने कहा कि हम यहां बैठकर शैक्षणिक संस्थाएं नहीं चला सकते, हमारे आदेश अन्य पर भी दुर्गामी परिणाम डालेंगे। अभी मुद्दा बोर्ड परीक्षाएं हैं, हम उनसे इधर उधर नहीं जा रहे। स्कूली परीक्षाओं के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि सरकार इन सभी बिंदुओं पर संशोधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन करे। यदि आपका बच्चा 12वीं की परीक्षा दे रहा था या उसने दे चुका है तो बाकी की परीक्षाएं उसकी अब नहीं होंगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में सरकार को दिया। CBSE या CISI में है तो उनकी परीक्षाएं अब नहीं होंगी, बल्कि विद्यार्थी को मौका दिया गया है कि वो इंटरनल असेसमेंट से पास होना चाहता है या कोरोना के बाद अपनी परीक्षा देना चाहता है, यह आप पर छोड़ दिया गया। हरियाणा में भी इसी तरह से शायद आज या कल लागू हो जाए कि वो 12वीं के बचे हुए पेपर न ले और 15 जुलाई